इम्पोर्टेंट तो ये है कि दो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप जो है नेबर्स को नहीं बदल सकते, दैट्स नॉट अ चॉइस। हमारा बॉर्डर मिलता है और हमें एक दूसरे के साथ चलना है। स्पेशली आप ये देखें कि हमारी जो माशी तरक्की है, जो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हमारी तिजारत है, उसके लिए हमें ऐसा माहौल साजगार पैदा करना है जिसमें दो बरदर मुल्क आगे चल सकें। और मैं समझती हूँ कि गैस पाइपलाइन जो कि प्रेजिडेंट आसिफ अली जरदारी का इनिशिएटिव था, वो बहुत अहम है, और उस गैस पाइपलाइन से पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो है वो इंटरेस्ट जो है वो वाबस्ता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जो कुछ गलत फहमियाँ कभी हो जाती हैं, जो बॉर्डर वायलेशंस हो जाती हैं, उनके ऊपर जो है ज़रूर हमें बैठ के बात करनी चाहिए कि किसी भी मुल्क की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। और बाकी किसी मुल्क के इंटरनल मामलों के अंदर पाकिस्तान ने कभी दखल अंदाजी नहीं की। हर मुल्क को अपने इंटरेस्ट को, अपनी प्रेस्टीज को, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने का हक है, और ये हर मुल्क को खुद डिसाइड करना है। पाकिस्तान जो है वो उसकी एक ही पॉलिसी है, नॉन इंटरवेंशन। वो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों के मामलों में मदाखलत नहीं करता, बट वी स्टैंड एज अ ब्रदर विद आवर मुस्लिम कंट्रीज़।